नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल इंडिया वर्ल्ड 360 में आप सबका स्वागत है। यस बैंक के रिजल्ट आ चुके हैं। देखिए, एक और चीज़ मैं आपसे बोल दे रहा हूँ डिस्क्लेमर, कि रिजल्ट से इस स्टॉक के प्राइस पे बहुत बड़ा मूवमेंट कुछ नहीं होने वाला। पहले इन चीज़ों को समझिएगा। देखिए, ये जो मूवमेंट आएगा वो किस चीज़ से आएगा, कौन सी बातों से आएगा, वो आगे मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा। यस बैंक का प्राइस जो है 15 रुपये पे है और मार्केट कैप इसका 36,831 करोड़ का है। और इसके पीछे की बहुत सारी कहानी आप जान चुके हैं, जिस पर मुझे चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। अब जो रिज़ल्ट इनका है वो भी आप देखिए, जो इनका सेल्स था जून 2021 में 4,524 करोड़ का सेल्स था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,496 करोड़ का और नेट प्रॉफिट 204 करोड़ का हुआ था। EPS 0.008 का था। उस समय इनको काफ़ी ज़्यादा हैवी प्रोविजनिंग करनी पड़ी। प्रोविजनिंग का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रॉफिट का पैसा जो लोन से पैसे नहीं रिकवर हो रहे हैं उसके लिए वो उस पैसे को प्रोविजन किया दिखाया जाता है कि भाई हमने लोन से रिकवर नहीं किया तो इस वजह से उसके एवज में हमने पैसे को रखा हुआ अपने पास में। इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रोविजनिंग किया। फिर उसके बाद मार्च 2022 का जो इनका रिजल्ट है उसमें इनकी सेल्स में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ। कासा रेशियो भी काफ़ी अच्छा बढ़ा और अभी भी कासा रेशियो मतलब कि क्या, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से जो पैसे आते हैं वो पैसे का रेशियो इनका काफ़ी जंप किया है। इस क्वार्टर में भी मार्च 2022 में भी किया, 4,947 करोड़ का इन्होंने सेल किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर को बीट करते हुए 2,712 करोड़ का हुआ। नेट प्रॉफिट 372 करोड़ का हुआ और यहाँ पे भी प्रोविजनिंग हैवी की गई। बहुत सारे बैड जो लोन रिकवर नहीं हो रहे थे तो वो प्रॉफिट का पैसा अपना वहाँ पे रखा और दिखाया कि हाँ हमने प्रोविजनिंग किया। लेकिन अभी के क्वार्टर में बस एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि सेल्स में ज़बरदस्त जंप आप देख सकते हैं, 5,135 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी दोनों क्वार्टर को बीट करते हुए जबरदस्त एक जंप है 2,881 करोड़ का। लेकिन नेट प्रॉफिट में यदि आप देखेंगे तो 314 करोड़ का है। ईयरली तो अच्छा है लेकिन पिछले क्वार्टर से ये बीट नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें कुछ चीज़ें ये है कि यहाँ पे कासा रेशियो भी बढ़ा है और प्रोविजनिंग उतनी नहीं करनी पड़ी पिछले जो दो क्वार्टर से ये कंपनी कर रही है, क्योंकि अभी इन्होंने ARC बना रखी है। आप ये लगातार ये न्यूज़ सुन रहे हैं यस बैंक के बारे में। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के तहत अपने सारे बैड लोन को ये सेल कर रहे हैं जेसी फ्लावर को। अब ये स्टॉक 15 के आसपास में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए EPS यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं रिजल्ट इनका ठीक ठाक है। ये बोलेंगे कि आप जो जितने भी ब्रोकरेज फर्म थे उन्होंने बहुत कहीं ना कहीं टारगेट बहुत नीचे दिए थे, लेकिन उससे बेहतर इन्होंने रिजल्ट दिखाया है। अब इस रिजल्ट की वजह से कंपनी में देखा जाए तो जो शेयर का जो प्राइस है वो तो कंसोलिडेट कर सकता है कि भाई चलो 15 रुपये 14 रुपये के आसपास रह सकता है, लेकिन एक बड़ी तेज़ी कैसे आएगी, ध्यान दीजिएगा। बड़ी तेज़ी के लिए जिस तरीके से स्टॉक ने अभी पिछले 15 दिनों में 15-20% का रिटर्न दे दिया है, 5%, 6%, 4%, 3% करते हुए, और जब भी स्टॉक 15 रुपये पे आता है ना तो एक हैवी सेलिंग शुरू हो जाती है, बहुत सारे लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा किस स्टॉक में मूवमेंट क्यों आ रहा है, वो भी आगे मैं बता आपको, आगे उन पॉइंटों पे भी बातें हो जाएंगी। लेकिन ध्यान दें कि इसमें मूवमेंट कैसे आएगा, जब भी ये 15 को पार करे और फिर स्टॉक टिके सेलिंग होने के बावजूद में भी, और 5%, 6% मूवमेंट दिखाते हुए स्टॉक यदि 15 को क्रॉस करके 16 रुपये को क्रॉस कर जाए, देखिए कि 15 रुपये 65 पैसे इसका एक कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन है, और उसको ये पार करके ये 16 रुपये के आसपास जाए और वो भी 4%, 5%, 3% करके बढ़ता रहे, नीचे ना गिरे, वहाँ टिके, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा एंट्री करके लीजिए। फिर आगे ये स्टॉक आपको 22 रुपये का लेवल दिखा सकता है, अन्यथा यहाँ से ये तेज़ी जो है ना सिर्फ आ रही है तो सिर्फ एक न्यूज की वजह से आ रही है। वो न्यूज़ क्या है, देखिए कार्लाई और एडवेंट एक बड़े दो ग्रुप हैं जो निवेश करना चाहते हैं किसमें, यस बैंक के शेयर में, इक्विटी में, आप पढ़ेंगे तो इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं। लेकिन उनकी इन दोनों ग्रुप की एक सिर्फ शर्त है, शर्त क्या है वो भी आप ध्यान दीजिएगा कि भाई अपना बैड लोन, देखिए आफ्टर द प्रपोज सेल ऑफ यस बैंक्स बैड लोन टू जेसी फ्लावर, उनकी दोनों की शर्त सिर्फ इतनी है कि अपना बैड लोन जो है ना जेसी फ्लावर को आप सेल करो, उसके बाद अपनी बैलेंस शीट आप क्लीन करो, फिर हम आपके साथ जो है लगभग आप देख सकते हैं 2.6 बिलियन वारंट्स टू कार्लाई एंड एडवांस, तो ज़बरदस्त एक हैवी अमाउंट की डील करने वाले हैं कार्ले और कहीं ना कहीं एडवेंट ग्रुप। इन सिर्फ इस न्यूज की वजह से इस स्टॉक में बड़ी तेज़ी आ रही है, और ये न्यूज कहीं ना कहीं यस बैंक में ये जो तेज़ी है धीरे धीरे यदि चलेगी 100% स्टॉक 22 को भी क्रॉस करेगा, 25 भी जा सकता है। अन्यथा ये जो न्यूज है ना, इस न्यूज में यदि कहीं ना कहीं यदि बहुत देर हुई तो स्टॉक फिर वहाँ से गिर के 12-13 रुपये पे आ सकता है।
जो 1470 का स्टॉक है वहाँ से गिर के 12-13 रुपए पे आ सकता है और फिर वहीं पे घूमेगा जब तक से ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। और अभी तक तो ये है कि फाइनल स्टेज में ये न्यूज़ चल रही है कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जैसी फ्लावर के साथ इनकी फाइनल डील हो चुकी है लगभग, तो आगे कहानी बढ़ रही है। लेकिन बस ध्यान दीजिएगा कि इस स्टॉक में यदि आप देखना चाहते हैं, एक अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, तो ये स्टॉक धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है और 16 रुपए से ऊपर टिक रहा है तो 100% आप एंट्री कर सकते हैं। और उसके लिए फिर आप अगले टारगेट 22 रुपए का इंतजार करिएगा और जल्दी ही अपने प्रिंसिपल अमाउंट को निकाल लीजिएगा। प्रॉफिट के स्टॉक को लंबे समय के लिए होल्ड करिएगा। यदि कार्ले और एडवांट ग्रुप दोनों यदि इसमें इन्वेस्टमेंट कर गए तो स्टॉक 100% आने वाले टाइम में 100 रुपए पे भी जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। साथ में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतर इन्फॉर्मेशन के साथ में।